के बारे में बताइए कि कैसा रहा बर्थडे एंड क्या क्या करा? कैसा रहा? अभी जाके सेलिब्रेट करूँगी। यूजली मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ या ट्रैवल करती हूँ, लेकिन इस साल क्योंकि बहुत अच्छा साल गया, मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के साथ सबके साथ थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन, सब कह रहे थे कि यू शुड सेलिब्रेट, तो मैंने कहा कि चलो लेट्स जस्ट मेक दिस ओकेजन स्पेशल। सो आई थिंक थोड़ा सा इंटिमेट है, वी हैव फन, लेट्स हैव गुड नाइट डांस। आपके लिए केक लाऊंगी एंड या आई जस्ट वांट टू स्पेंड इट विद एवरीवन हू इज देयर। हाउ हैप्पी आर यू विद द वे योर ईयर हैज बीन? क्लियरली वेरी हैप्पी राइट नाउ। सो आगे क्या कुछ प्लान्स है, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाउ आर यू लुकिंग? आई वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई थिंक I just have to wait till the announcement is made, and I promise you, you'll be excited for that, for the next Hindi film that I've signed. As for the, you of course know I'm doing Ram Charan's next film, and there are lots of exciting things in store, but so far really happy with all the love stories and Bharat and Nenu and all the love that everyone's given me. So really, really thank you guys so much from the bottom of my heart. आज मैं शूट कर रही थी, तो एक्चुअली शूट के जो मेरा पता कल है, तो 12 बजे शाह स्टार होगा, लेकिन जो मैं शूट के लिए गई थी तो पूरा जो टीम था, फोटोग्राफर स्टाइलिस्ट एवरीबडी, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज केक वगैरह ला के वी स्टार्टेड द सेलिब्रेशन, सो इट वाज फन। ओके, क्या रहा लास्ट में, क्या विश है तुम्हारा, क्या मतलब आपने रेजोल्यूशन क्या बनाया बर्थडे के लिए? बर्थडे के लिए जस्ट स्पेंड अ लॉट मोर टाइम विद माय फैमिली एंड डू अ लॉट मोर वर्क एंड मेक माय एवरीबडी हु लाइक्स वाचिंग मी प्राउड एंड होप टू जस्ट विन अ लॉट ऑफ हार्ट्स। क्या रहा जस्ट वन क्वेश्चन, यू नो यू आर गोना बी वर्किंग विद सिद्धार्थ एज करण हैज अनाउंस्ड। ओके बाय गाइस, आई एम गोइंग, देयर इज नो अनाउंसमेंट्स हैव बीन मेड। The Sindhi in me likes gold, so maine gold pehen liya aaj. Okay. Kya raha Siddharth ke saath, the film is happening or not because Karan has announced? There's no announcement. That's Sindhi. Yes. Bye guys, I'll see you all soon at 12 o'clock. Just one last.